हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 31। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 30, उसमें मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड को न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड यूज करके क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले, जहां पे हमें कुछ डेटा पूछेंगे फाइंड आउट करने के लिए वो फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं कि सर, अगर आप में से किसी ने भी वीडियो नंबर 29 नहीं देखी है तो प्लीज एक बार वीडियो नंबर 29 जरूर देखें, क्योंकि ये वैल्यू एडेड मेथड 29 वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो नंबर 31। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि सर कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सेल्स फाइंड आउट करनी है। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि नेट वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना था, यहां पे क्या फाइंड आउट करनी है, सेल। क्या क्या है सर, सब्सिडीज दे रखी है 200, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से सुनना ये क्या चीज लिखी हुई है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये होता है डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट गिवन है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट गिवन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर हम लोग स्पेसिफिकली कोई सी बुक फॉलो नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ये फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं फास्ट। अभी देखते हैं सर सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में मुझे बोला है सेल्स फाइंड आउट करनी है, सेल हमेशा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में आएगी, सेल चाहिए सर। अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, GVAMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये होता है, हम लोग ये फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, और इसमें आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मुझे क्वेश्चन में सेल्स फाइंड आउट करनी है, सेल्स चाहिए मुझे, ये भी चाहिए होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं सर ग्रॉस वैल्यू एडेड गिवन नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एग्रीगेट गिवन है क्या नेशनल इनकम का जिससे हम लोग शुरू कर सके। देखो क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपको फाइंड करनी है, जैसे सेल्स फाइंड आउट करनी है, तो सेल्स हमेशा लास्ट में निकलेगा। अभी इस फॉर्मूला की अगर बात करी जाए तो आपको क्या चाहिए, यहां पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आपको सेल्स चाहिए और ये भी चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी चाहिए, ये हमेशा लास्ट में निकलेगा। तो पहले ट्राई करते हैं कि ये फाइंड आउट कर ले हम, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है सर हमारे को, ठीक है मुझे ये चाहिए, तो इससे स्टार्ट करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इससे इस पे कन्वर्ट होना है, मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करोगे, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 2000, ये तो फाइंड आउट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या, नहीं है, सब्सिडीज गिवन है सर, तो इसको लिखेंगे 0 माइनस 200, क्लियर। प्रॉफिट हमारे काम का नहीं है, प्रॉफिट काम ही नहीं आता है वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 700, लिखो 2000 इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस प्लस 200 माइनस 700, फाइंड आउट करो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 2500, कितना आएगा ये 2500। ठीक है, अब नाउ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, हम लोग साथ के साथ सारी चीजें लिखते जाएंगे। देखिए 2500 गिवन है, ये निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक 600 ओपनिंग 100, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कितना गिवन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000, लिखो 2500 प्लस 3000 इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस 500। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे
सेल्स आएगी आपकी 5000, सेल्स कितनी आएगी 5000। आया सबको समझ में? क्लियर है? एक देखो वापस बता देता हूं आपको, क्वेश्चन में क्या बोला था, सेल्स फाइंड आउट करनी है। सेल्स आती है ग्रॉस वैल्यू एडेड वाले फॉर्मूला में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, ये इस तरह से सेल्स आती है। मुझे इस वाले फॉर्मूला की अगर बात करूं तो सेल्स भी नहीं है, ये भी वैल्यू एडेड भी नहीं है, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी नहीं है। मैं पहले एक काम करता हूं, ये अगर फाइंड आउट कर सकूं तो बहुत बेटर है। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कोई एग्रीगेट गिवन है क्या। मेरे पास ये एग्रीगेट गिवन था NBAFC, ये NBAFC लिखा, ये अगर मैं इससे फाइंड आउट करता ग्रॉस वैल्यू एडेड से तो क्या करना पड़ता, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाता। इसमें मैंने वैल्यूज पुट अप की, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड को इस फॉर्मूला में रखा मैंने, ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स निकालनी प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन था। इसी तरह से आपकी सेल्स निकल जाएगी। आया सबको समझ में? एक बार इसका फटाफट सॉल्यूशन करो। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अभी आप 2 मिनट बाद उसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको दिखेगा बोर्ड पे, आप उसे सॉल्व करेंगे, मैं उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। आपको उसे क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करना है, फिर आपको उसका आंसर भी विजिबल होगा, तो चेक करिएगा कि आपका सही है या नहीं है। ये एक बार फटाफट लिखिए, आपको एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन ये आपके पास में, क्वेश्चन में बोला सेल्स फाइंड आउट करनी है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा 560, डेप्रिसिएशन 60, चेंज इन स्टॉक माइनस 30, इंटरमीडिएट कॉस्ट 1000, एक्सपोर्ट 200 और इनडायरेक्ट टैक्सेस 60। आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन पॉज करके फटाफट लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको 2 मिनट बाद विजिबल होगा, पहले इसको पूरा सॉल्व कीजिए एक बार फास्ट। इसका सॉल्यूशन गिवन है आपको, एक बार आप अपना सॉल्यूशन चेक कीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 680 आना चाहिए और सेल्स 1710 आनी चाहिए, 1710। एक बार चेक कर लीजिए। एक ही ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स गिवन थे आपको 200, ये एक्सपोर्ट्स हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर सेल्स निकालनी है, डोमेस्टिक सेल नहीं निकालनी है, नेट सेल्स निकालनी है। सेल्स में एक्सपोर्ट वैसे ही इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं किया। क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल पूछते तो यहां पे एक्सपोर्ट को कंसिडर कर लेते। आई बात समझ में? एक बार अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए फास्ट। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 200, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80, सेल्स टैक्स 15। सेल्स टैक्स हमारे लिए होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सब्सिडीज दे रखी, डेप्रिसिएशन दे रखा है। क्या फाइंड आउट करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया वही पर वापस देखते हैं। सर मुझे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से। देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, पहली बात तो मार्केट प्राइस से कॉस्ट पाएंगे तो लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या माइनस करो, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में ये 80 गिवन है, GVAMD फाइंड आउट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स 15, सब्सिडीज 5, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन कितना है 20। कैलकुलेट करो, 80 इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस 10 माइनस 20, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करोगे ये आएगा 110, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ध्यान है कि सर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, ये आ गया 110। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 200 माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कितना हो गया, फाइंड आउट करो बेटा फटाफट, 90, ये हमारा आंसर। क्लियर? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
डेप्रिसिएशन दे रखा है, डोमेस्टिक सेल दे रखी है, नेट चेंज इन स्टॉक -10, एक्सपोर्ट्स 10, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये पहली बार देख रहे हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं मैं बता देता हूं। सर प्रोड्यूसर अपने पास में कुछ ऐसे गुड्स रखता है जिनको वो सिर्फ एक ही बार में यूज कर सकता है और उन्हें यूज करने के बाद में वो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें सर मशीन्स होती है तो मशीन्स में ऑयलिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो जो ऑयल रहता है वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में आता है। जो ग्रीस रहता है जिससे हम मशीन्स को ऑपरेट करने में काम आता है तो जो ग्रीस है ऑयल है इस तरह के जो ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं इनसे क्या होता है कि सर इन्हें एक बार आप यूज करो तो ये क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो इन्हें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। सर इन्हें जब हम लोग प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं तो सर ये जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे वैसे क्या होते जाएंगे खत्म होते जाएंगे तो इन्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट माना जाता है। आई बात समझ में सर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है अपने कुछ ऐसे गुड्स लगा रहा है जिन्हें अगर एक बार वो प्रोडक्शन में डाल देगा तो वापस उन्हें यूज नहीं कर सकता तो वो जो प्रोडक्शन में उसने गुड्स डाले हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगी। ठीक है देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है GVAMT फाइंड आउट करना है। लिखेंगे यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मेरे पास दो तरह की सेल है तो दोनों का नाम लिख देता हूं डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट और प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है देखो डोमेस्टिक सेल्स कितनी है 200, एक्सपोर्ट्स कितने हैं 10 और नेट चेंज कितना आया माइनस का 10। नेट चेंज कितना है माइनस का 10। कैलकुलेट करोगे 210 माइनस 10 कितना हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 200। ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्वेश्चन में देखो और कोई इंटरमीडिएट गुड्स दे रखे हैं क्या नहीं है सिर्फ यही है सर वैल्यू ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और ये कितना है 120। क्वेश्चन में ग्रॉस पूछा है फाइंड आउट करो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 200 माइनस 120 कितना आ गया 80। ये डेप्रिसिएशन काम इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें ग्रॉस पूछा था और ग्रॉस ही निकाला है हमने। अगर नेट पूछते तो हम लोग माइनस कर देते डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में एक बार फटाफट ये नोट डाउन करो फास्ट पॉज करके। देखिए अगर हम बात की जाए नेशनल इनकम की तो नेशनल इनकम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि सर मल्टीपल न्यूमेरिकल्स होते आपको अगर नेशनल इनकम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट होगी। हमने जो आज क्वेश्चन किए किसी में सेल्स कैलकुलेट करना था किसी में इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा था और अगर हम बात करें किसी में वैल्यूज अलग गिवन थी तो आपको एक मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम लोग जब ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले होंगे न्यूमेरिकल पार्ट तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जिसमें मोर देन 100 क्वेश्चन होंगे। आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी अगर आपके पास में बुक अवेलेबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो जो भी बुक में अगर आप क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको वैल्यूएटेड मेथड के किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं है तो इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन या अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबकी प्रोफाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आशा करता हूं आप घर पे सेफ रहेंगे। स्टे सेफ स्टे होम थैंक यू एंड बाय।